ETRF जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको इस बात का सिनेरियो समझ में आ जाएगा सारा। अगर आप आयल्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी IDP के स्कैम को जानते होंगे, समझते होंगे आजकल क्या चल रहा है। तो आपने फर्स्ट एग्जाम दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने सेकंड टाइम एग्जाम दिया, आपका फिर भी क्लियर नहीं हुआ, आप फिर से थर्ड टाइम टेस्ट देने जा रहे हो। जब स्टूडेंट दो तीन बार या चार बार पांच बार टेस्ट दे देता है तब एक ऐसा पॉइंट आता है, उसके ऊपर ऐसा प्रेशर होने लगता है कि यार मैंने इतना खर्च भी कर लिया, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बाहर चले गए, ये भी चला गया, वो भी चला गया, अब पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा। तो ये एक टाइप ऑफ प्रेशर है जो इंसान को फ्रस्ट्रेट करने लगता है। एंड जब आप सच में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आप ऐसे वे ढूंढते हो जहाँ से आपका बाईपास काम बन जाए। बाईपास यानी कोई आपको क्वेश्चन मिल जाए, आंसर मिल जाए, TRF मिल जाए डायरेक्ट। सो अब कुछ आप में से आधी वीडियो सुनकर बोलेंगे यार इसमें तो कोई बैन वाली बात ही नहीं, थंबनेल में लिखा है बैन हो गया कोई स्टूडेंट। तो ये बात बैन से ही रिलेटेड है, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। जो पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हो तो इस ऑफर को एक्सेप्ट जरूर करेगा, जरूर हाँ कर देगा। और ये ऐसा ही केस हुआ है रिसेंटली में मेरे फ्रेंड के साथ। उसने बताया कि उसके साथ एक बहुत ही तगड़ा वाला स्कैम हो गया। वो पहले 7 बार एग्जाम दे चुका है बट उसका एग्जाम है जो क्लियर नहीं हो रहा। देन उसका किसी से कॉन्टेक्ट हो गया सोशल मीडिया से, और वो पोस्ट थी ना जो TRF के रिगार्डिंग थी, इलेक्ट्रॉनिक TRF, लाइक वो जेन्युइन TRF देंगे विदाउट आयल्स मोर देन 7 बैंड्स का। एंड उसके अलावा TRF के मांगे उनसे 2,20,000। और अब TRF भी ऑनलाइन ही आता है तो इस चीज़ का पूरा एक हाई लेवल पे स्कैम चल रहा है। सो उसने क्या किया, वो फ्रस्ट्रेट था, 7 बार एग्जाम दे चुका, और उसने क्या किया TRF को बाई कर लिया बाहर ही, किसी से पैसे लेकर, ना घर वालों को बताया और ना अपने कंसल्टेंट को बताया। और जब फाइल लग गई, सारा फीस सबमिट हो गई, सारा कुछ हो गया, मेडिकल बायोमेट्रिक एम्बेसी में जब फाइल चली गई, इस चीज़ का वहाँ पर पता चल गया, और कनाडा की तरफ से उस स्टूडेंट पे यानी मेरे फ्रेंड पर 5 साल का बैन लगा दिया। वो TRF था जो ओरिजिनल नहीं था, बिल्कुल फेक था। और आपको भी बता दूं जो आयल्स वाले स्टूडेंट हैं उनमें कमी होती है सिर्फ एक, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। आप चाहे 1 बार एग्ज़ाम दो, चाहे 2 बार दो, चाहे 4 बार 5 बार दो, आपने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, चाहे कितना मर्जी आपको बोले। अगर करो तो तरीके से, नहीं तो मत करो, ड्रॉप कर दो। ऐसा ऐसा बैन लगे ना, इतने में आपकी एज गैप भी बढ़ जाता है और प्रोफाइल है जो सारी ख़राब हो जाती है गैप की वजह से। बस उसी फ्रस्ट्रेटेड पॉइंट पे आपने सही डिसीजन ले लिया तो आप फालतू के नुकसान से बच सकते। सो आज की वीडियो में मुझे लगा शायद आपके साथ ये नॉलेज शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी ये जो चल रहा है स्कैम, इस स्कैम से बच सकें। कोई आपको बोले यार इतने में दबा दूंगा, सस्ते में दबा दूंगा, बिल्कुल भी मत लेना, ये वैलिड नहीं है। जब आप फाइल लगाओगे तो आपका भी फंस सकता है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ।